पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के रामगंगा बिहार स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद के सभी विकास खंडों के स्कूलों से आए बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा कल्याण विभाग अधिकारी नरेश कुमार चौहान ने की और संचालन एडीओ एसपी सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पहुंचे एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त का स्वागत स्कूली छात्रों द्वारा विशेष अंदाज में किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा सलामी ली गई। इसके दौरान सभी अतिथियों का बैज लगाकर और बुके देकर स्वागत किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने 400 मीटर, 800 मीटर, 200 मीटर और 100 मीटर दौड़ में प्रतिभाग करते हुए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि खेलों से ही जीवन सुधरता है। बच्चे मोबाइल से ज्यादा लगाव रख रहे हैं, जो बहुत ज्यादा हानिकारक है। हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आपकी है आपकी मेहनत, आपका परिश्रम। आप विद्यार्थी होंगे तो विद्यार्थी जीवन को बेहतर बनाओ, बढ़िया बनाओ। और विद्यार्थी जीवन में भी विद्यार्थी के जो पांच लक्षण बताए हैं, उसमें पहला लक्षण का चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा वचा। इसलिए जो भी व्यक्ति बात कह रहा है उसको सुनो। जब वहां जाकर आप विजेता बनेंगे तो किसका नाम रोशन होगा भाई, बताओ। वर्तमान सरकार ने खेलो इंडिया एक नई योजना प्रारंभ की है, उसके क्रियान्वयन में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन बड़े स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जो आपके कोच और इस प्रतियोगिता के नियम हैं उसको ध्यान में रखकर भाग लेंगे और जनपद का नाम प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।